लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल छठ पूजा का आरंभ 17 नवंबर से हो चुका है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाया जाता है। लोक आस्था का ये महापर्व छठ 4 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है। कहा जाता है कि ये व्रत बच्चों की दीर्घायु, सफलता और उनके स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस साल शुक्रवार 17 नवंबर से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में छठ पर्व को अत्यंत शुभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व से जुड़े नियमों का पालन करने से माता छठी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। संतान की लंबी उम्र, उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए ये व्रत रखा जाता है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है। उसके अगले दिन खरना होता है। तीसरे और चौथे दिन अर्घ देते हैं। आज हम आपको छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के बारे में बताएंगे। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। व्रती इस पूरे दिन उपवास रखती हैं। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होता है। खरना के दिन खीर का प्रसाद बनता है, जिसे शाम को भोग में चढ़ाकर खाया जाता है। इस प्रसाद की खास बात ये है कि इसे लोग खास तरीके से खाते भी हैं। दरअसल इस दिन रसियाव बनता है और इसे घी लगी रोटी और केले के साथ भोग में चढ़ाया जाता है। सबसे पहले चावल को भिगोकर रखें, फिर पानी में चावल डालकर अच्छी तरह से पकाएं। चावल को छूकर देखें कि पका है या नहीं। जब चावल पक जाए तो इसी पानी में गुड़ डालें। गुड़ को पूरी तरह से पिघलने दें, फिर इसमें ऊपर से दूध मिलाएं और खीर को पकने दें। साथ ही ड्राई फ्रूट्स काट कर मिलाएं। जब दूध और खीर अच्छी तरह से पक जाए और मिला जुला लगने लगे तो गैस बंद कर दें। इस तरह से आप खरना के दिन रसियाव बना सकते हैं। ऐसे में छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि संझिया घाट को अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्री युक्त पानी पीती हैं। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि भोर का घाट 20 नवंबर 2023 को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है और ऐसे ही छठ का समापन हो जाता है।